गवई अंदाज में आ गए हैं। उपचुनाव में कांग्रेस का साथ क्या छूटा, लालू यादव ने उन्हें हैसियत बता दी कि बिहार में कांग्रेस कहां पर है, कहिए कि कांग्रेस प्रभारी के बयान का करारा जवाब दे दिया, जिसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। जेडीयू कांग्रेस के बचाव में आ गई तो बीजेपी ने कांग्रेस और साथ ही आरजेडी दोनों को घेर लिया। आज बीजेपी के साथ भी अराजक का सरकार था और अभी एनडी के साथ नीतीश जी का सरकार है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में मेल कभी नहीं हो सकते हैं। भक्त चरण दास इन्हीं बयानों से आरजेडी को बीजेपी का बी टीम बताते रहे, लेकिन अब इसका जवाब कोई और नहीं बल्कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने दिया है। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है कांग्रेस की तरफ। भक्त चरण दास जो प्रभारी है, चरण दास भक्त को ना रही है। वापसी के साथ लालू ने बताई हैसियत, कांग्रेस को क्यों नहीं दी सीट इसकी वजह बताई और बता दिया कि आरजेडी को कांग्रेस से रिश्ते टूटने का दर्द नहीं। लालू यादव की वापसी हो गई है और इस वापसी में वो अपने ठेठ अंदाज में आ गए हैं, जो विरोधियों के साथ साथ कांग्रेस को भी बर्दाश्त नहीं है। जिस अंदाज में भक्त चरण दास को लालू यादव ने जवाब दिया उसे कांग्रेस तिल मिला गया, तो वहीं जेडीयू के भी सुर कांग्रेस के लिए बदल गए। लालू जी राज्य के बड़े नेता हैं, उनसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा कांग्रेस नहीं करती है। अगर इस तरह के शब्द और बयान राजद के नेताओं के तरफ से लगातार कांग्रेस के नेताओं के बारे में आते रहेंगे तो कांग्रेस के नेताओं को भी संयम तोड़ने में देर नहीं लगेगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के महामंत्री के लिए माननीय लालू प्रसाद यादव ने किया, जो हम लोग मुंह से भी नहीं ले सकते। कांग्रेस लालू यादव को चेतावनी दे रही है कि ऐसे बयानों से परहेज रखें, तो इसका जवाब आरजेडी भी दे रही है। वहीं बीजेपी को लगता है कांग्रेस और आरजेडी के बीच महज नुरा कुश्ती है, असल में दोनों मिले हुए हैं। अगर वो नहीं समझ रही है और दोनों सीट पर जमानत भी जिसकी नहीं बचती उसको हम कैसे दे देते टिकट और सीट। एनडीए के वोट में विक्रोह करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता जानती है कि बिहार में कभी भी अब राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन की सरकार को बिहार में की जनता कभी आने नहीं देगी। इतना तो है कि उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी की राहें जुदा हो गई हैं, रिश्तों में दरार नजर आने लगी है, बयानों में तलखी है, लेकिन सियासत में सब कुछ संभव है। जिनसे जुदा होने की कसम खाते हैं वो भी वक्त आने पर खुदा हो जाते हैं। चुनाव परिणाम का इंतजार कीजिए, आगे के रिश्ते की हकीकत भी सामने आ जाएगी। दिल्ली से नेहा के साथ रितेश, जी मीडिया, पटना। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने सहयोगी के लिए क्या राय क्या विचार रखते हैं वो अभी आपने देखा। एक हकीकत और दिखाते हैं, जब वो नीतीश के साथ थे तो नीतीश की तारीफ की, बताया कि कैसे नीतीश ने दलित को बिहार का सीएम बनाया। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है कांग्रेस की तरफ से। भक्त चरण दास जो प्रभारी है, चरण दास भक्त को ना रही है। जीता राम मांझी संगे क्या हुआ, क्या तय किया आपने बताओ, हम ज्यादा देर तक बहस नहीं करते, बताइए। बोला जीतन मांझी की अगर ये पहले ही हमको कह दिए जाते तो मैं इस्तीफा दे देता। हमने कहा साफ, कहा गया जीतन मांझी जी, आपने कभी सोचा था मुसार को कोई मुख्यमंत्री बनाएगा, आपके जाति को तो नीतीश ने बनाया, एकदम टुकुर टुकुर ताक रहा नीतीश।